तो बेटा आज की क्लास में हम भंजाई के बारे में रीड करेंगे, कवक के बारे में रीड करेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए क्लास आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। और मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा, आपके इंस्टीट्यूट में क्या बताते हैं मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस क्लास में वो चीजें बताई जाएंगी, जिन वो टॉपिक्स बताए जाएंगे, वो पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, कि अगर आपने उन टॉपिक्स पे ध्यान दे लिया तो आपका नीट की एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। आज का टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन छोटी क्लास अब हम लेने की कोशिश करेंगे, और फंजाई जो या कवक जिसको कहते हैं उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। कहाँ ध्यान देना है एग्जाम में, उन टॉपिक उन बातों की चर्चा करेंगे। तो बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, कवक क्या लिख दिया बेटा, कवक लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, कवक या फिर फंगस भी अपन इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम है, फंजाई भी कहते हैं और जो फंगस भी इनको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फंगस, जानते हो ना क्या खास बात है, फंजाई या फंगस जो है ये सब लोग जानते हो आप लोग। इनमें क्या है कि क्लोरोफिल एबसेंट होता है, इनमें किसी प्रकार के पिगमेंट्स एबसेंट होते हैं, और अपन ये कहेंगे जनरली क्लोरोफिल एबसेंट होता है। क्लोरोफिल एबसेंट जिनमें होता है, इन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। अगर क्लोरोफिल इनमें पाया जाता ना, ध्यान रखने वाली बात है नहीं है भाई, इसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो ये क्या होते, ऑटोट्रोप होते, लेकिन ये क्या क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं सारे हेटरोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं, हेटरोट्रोप, यानी कि इनमें हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, विषम पोषी पोषण पाया जाता है इनमें कवकों में। और ये क्या करते हैं, जो मृत जो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं भाई, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए ये किस प्रकार के होते हैं, जनरली सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। किस प्रकार का, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ये उसको क्या करते हैं भाई, तरल रूप में लिक्विड फॉर्म में ये ग्रहण करते हैं। ये बात तो आप ध्यान में रखना। तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन फंजाई में पाया जाता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना जरूरी है। टोड स्टूल, टोड स्टूल को हिंदी इंग्लिश में भी टोड स्टूल ही कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टोड स्टूल क्या है भाई, पूछ ले एग्जाम में, ध्यान देना जरूरी है। टोड स्टूल क्या है, टोड स्टूल है फंगस, कवक है। फिर आप लोगों से पूछ ले भाई मशरूम क्या है, तो मशरूम भी क्या है भाई, फंगस है। क्या है भाई, फंगस है। अब आप लोगों से पूछ ले भाई दाद खाज खुजली का कारण क्या है, दाद खाज खुजली, तो आप बताएंगे भाई फंगस है। जनरल बातें फंगस की आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दाद खाज खुजली भी फंगस के कारण होता है, मशरूम भी एक तरह का फंगस है, और टोड स्टूल हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है इनका। टोड स्टूल को भी अपन क्या कहते हैं बच्चा, फंगस कहते हैं, ठीक है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, विषम पोषी पोषण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो कॉमन सेंस की बात यह है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो एल्गी में चले जाते या प्लांट्स में चले जाते। इसलिए इनमें जिनमें जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, उनको अपन क्या कहते हैं, हेटरोट्रोफ कहते हैं। और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वह हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इनमें किस प्रकार का हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये पैरासाइट भी होते हैं, और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जनरली इनमें पाया जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उनको तरल रूप में ये ग्रहण करते हैं। ये मान लो कि आप गोबर पे भी आपको मशरूम मिल जाएंगे, जिसको सांप की छतरी भी कहते हैं, बूढ़ी माई भी कहते हैं, कॉमन बातें हैं। नीट में क्या प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान में रखना, टोड स्टूल को, मशरूम को सब जानते हैं फंजाई है, टोड स्टूल जो है इसको ध्यान में रखना, ये फंजाई है। इनको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म में मत कर देना, ये क्या है, टोड स्टूल फंजाई है। और देखिए क्या खास बात है, कहाँ ध्यान देना है आप लोगों को कि फंजाई के, और आप ध्यान में रखेंगे रस्ट व स्मट डिजीज जो होती है, रस्ट व स्मट डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है भाई, फंजाई के कारण होती है, ध्यान में रखना। खेती करते हैं जो लोग उनको तो ध्यान में रखना ही है, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। दो शब्द लिख रहा हूं मैं, RUST, रस्ट एंड स्मट, SMUT, दोनों शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, रस्ट है और स्मट है। ये डिजीज किससे होती है भैया, फंजाई
फंगस से होती है। किससे होती है? फंजाई से होती है। कौन सी फंजाई से होती है, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सरसों की जो पत्तियां हैं, सरसों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर, सरसों ब्रेसिका, सरसों को इंग्लिश में ब्रेसिका कहते हैं, ब्रेसिका कैम्पोस्ट्रिस, ठीक है ना। तो सरसों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे अगर बन जाएं तो ये समझ लेना ये फंजाई के कारण हो रहा है भैया। इसके कारण हो रहा है, फंजाई के कारण हो रहा है, तो प्रश्न बनता है। इसके अलावा गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का जो तना है उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, पत्तियां जो है उनमें भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं गेहूं का काला कीट रोग, ब्लैक स्मट डिजीज ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ वीट। पूछ लेते हैं भैया किसके कारण होता है। कवकों का जनरल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं और उनमें से काफी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान देना उनको। गेहूं का काला कीट है कवक के द्वारा होता है, और कौन सा कवक जो होता है वह होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। कौन सा भाई, क्या नाम है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ध्यान से देखना इस नाम को, ये आपकी एग्जाम में आपका प्रश्न सही करेगा, आपको नीट में सिलेक्शन दिलाएगा। कौन सा? ब्लैक रस्ट किसके, गेहूं का ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस। देखो कि याद कैसे करेंगे, पक्षी तो आप जानते ही हो, पक्षी तो आप इसको प आधा कैसी पक्षी लिख लो, ये सोच लो आपको हिंदी कम लिखना आता है। पक्षी जो होते हैं वो गेहूं के दाने चुगते ही नहीं चुगते भाई, चुगते हैं, तो पक्षी गेहूं का दाना चुगता है और गेहूं में ही रोग लगाता है, ये भी ध्यान में रखना। तो पक्सिनिया ग्रेमिनस जो होता है वह गेहूं में ब्लैक रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, ये ध्यान में रखना, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सरसों की पत्तियों में सफेद धब्बे जो होते हैं, व्हाइट स्पॉट जो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं भैया? फंजाई के कारण होते हैं। बहुत सारे काम करता है फंजाई, देखो ब्रेड बनाने में भी फंजाई काम में आता है, जो भी ब्रेड आप लोग खाते हो वो ब्रेड बनाने में भी फंजाई काम में आता है, और दारू बनाने में भी काम आता है बच्चा, शराब बनाने में भी फंजाई काम आता है, ठीक है, वाइन बनाने में भी फंजाई काम आता है। और कौन सा फंजाई काम आता है? देखो ब्रेड खाते हैं उनको गांव वाले कुछ कहते हैं, और शराब पीते हैं ना उनको भी गांव वाले एक शब्द काम में लेते हैं, उनके लिए क्या? इष्ट बेकार, इष्ट बेकार है। कौन? शराब भी इष्ट है, बेकार है इष्ट, तो मतलब कौन सा छोटा जीव काम में लिया जाता है इसमें? यीस्ट कहते हैं इसको, यीस्ट, यीस्ट नामक कवक जो होता है वह इसमें काम में आता है और ये सब कुछ विष्ट कर देता है, इसलिए ब्रेड व शराब निर्माण में किसको काम में लेते हैं? यीस्ट को काम में लेते हैं। इसका एक और नाम है शेकेरोमाइसीज सर्विसी। ये जो है ये यीस्ट जो होता है, सेकेरोमाइसी जो होता है, ब्रेड बनाने में भी काम आता है और शराब में भी काम आता है। और किस काम में आते हैं भाई? ये एंटीबायोटिक, ध्यान में रखना, एंटीबायोटिक जो होती हैं उनके निर्माण में भी किसको काम में लेता है? अपन फंजाई को काम में लेते हैं। डॉक्टर बनो तो एंटीबायोटिक की दवा लिखते हो, और एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है भाई? कवक से प्राप्त होती है, सांप की छाती वगैरह छतरी वगैरह ये कवक ही है, तो ये मशरूम कवक ही है, इनमें जो एंटीबायोटिक जो होती है वह है किससे भाई? पेनिसिलियम जो होता है उससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनती है। कौन सी भाई? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि जो होती है वह किससे बनती है? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एंटीबायोटिक बायोटिक्स भी किससे प्राप्त होती है? अपने को फंजाई से प्राप्त होती है, फिर ब्रेड व शराब बनाने में भी, वाइन बनाने में भी किसको काम में लिया जाता है? यीस्ट को काम में लिया जाता है, सेक्यूरोमाइसिस को काम में लिया जाता है। इसके अलावा गेहूं में डिजीज होती है वो भी उसके कारण होती है, नाखूनों की जो बीमारियां हैं वो भी फंजाई के कारण होती है, गन्ने का लाल विगलन रोग रेड रोट डिजीज ऑफ शुगर केन वो भी किसके कारण होती है? फंजाई के कारण होती है, कोलेटोट्राइकम फलकेटम। ठीक है, और सरसों की पत्तियों में सफेद स्पॉट हो जाना, धब्बे हो जाना, वो किसके कारण होता है? फंजाई के कारण होता है।
गेहूं का काला कीट रोग भी फंजाई के कारण होता है। इतनी सारी बातें फंजाई के इंट्रोडक्शन के लिए मेरे हिसाब से काफी हैं। और अपन चर्चा करते हैं क्या भाई फंजाई दिखते कैसे हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने जो सड़े गले पदार्थ हैं आपके गांव में, रूढ़ी होगी, गोबर होगा या और कोई पत्तियां एक जगह पड़ी होंगी या कोई आपकी कचरा कोई एकत्र हुआ होगा, वहां जो पत्तियां वगैरह मरे हुए पादप ही तो हैं, मरे हुए कार्बनिक पदार्थ ही तो हैं। इन पदार्थ पर ये उग जाते हैं, जनरली सफेद कलर के आपको दिखाई देते हैं, मटमैले कलर के आपको दिखाई देते हैं, जिनको राजस्थान में तो गाँव में तो सांप की छतरी भी बोल देते हैं, बूढ़ी माई भी कह देते हैं, है ना। और विज्ञान में उनको क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं भैया। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अभी कैसे दिखते हैं, जो बाहर आपको खड़े दिखते हैं वैसे नहीं दिखते हैं, कैसे होते हैं, ये सूक्ष्म धागे सदस्य संरचना है, बहुत पतली पतले धागों से ये बने होते हैं इन्हें, ठीक है। इनको क्या कहते हैं भाई, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान में रखना, फिलामेंटस, फिलामेंट तंतु, फिलामेंटस स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है जनरली सामान्यतः। और इसका एक अपवाद है यीस्ट, क्या है, YEAST, यीस्ट जो होता है ये राउंड शेप लगभग गोलाकार आकृति का होता है, और बाकी जनरली फिलामेंटस होते हैं, तंतु की तंतु रूप में पाए जाते हैं। और ये तंतु जो होते हैं ना बहुत आपस में उलझे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसे आपके बाल जो होते हैं कंघी में उलझे रहते हैं, वैसे ही ये कवक, कवकों के जो हाइफा या तंतु जो होते हैं, हाइफी या तंतु जो होते हैं ना, वो आपस में उलझे रहते हैं। और इन उलझे हुए तंतुओं को, इन उलझे हुए बालों को क्या कहते हैं बच्चा, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, माइसीलियम, यहां पर फोकस करना जरूरी है। मतलब फिलामेंटस होते हैं जनरली फंजाई, लेकिन जो यीस्ट जो होता है वो फिलामेंटस नहीं होता है, एक तो यहां पर ध्यान देना है बच्चा, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो ये सूक्ष्म, जिसको माइक्रो, जो जो धागे होते हैं, धागे सदृश होते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं, और इनको अपन क्या कहते हैं, हाइफी या हाइफे आप कह सकते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, तंतु हिंदी में। और जब ये तंतु उलझ जाते हैं आपस में, एक जाल बनाते हैं, उस जाल को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, माइसीलियम कहते हैं। तो ध्यान में रखना, माइसीलियम बराबर फंजाई, माइसीलियम किससे संबंधित है, फंजाई से संबंधित है, माइसीलियम के पिन लगा लो और फंजाई के साथ जोड़ दो, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। नेक्स्ट और देखिए, जो एल्गी जो है उसमें हम बात करेंगे किसकी भाई, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता, जनन कैसे पाया जाता, तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। फंजाई जो है, तो दिमाग में अगर जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको इसके रिप्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूं, ध्यान में रखना, रिप्रोडक्शन, फंजाई जो है यहां से कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन जो है वह तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, नंबर फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी अपन कह सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। ये ध्यान में रखना, ये खास बात है, यहां से क्या ध्यान में रखना, इनके टाइप्स को तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन बात है, सब जानते हैं भाई, जो फंजाई जो होते हैं उनमें तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद रखने वाली बात यह है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो है प्रकार, किस किस प्रकार का या किस प्रकार की रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, कौन कौन सी मेथड जो है वो ध्यान में रखना है। तो वेजिटेटिव जनरली किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव है फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, फिशन द्वारा होता है और बडिंग द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, फिशन और फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग, FFB, ठीक है, FFB फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, विखंडन, हिंदी मीडियम वाले सुन लेना भाई, विखंडन है, विखंडन को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और खंडन को कहते हैं फिशन, खंडन जो होता है खंडन के द्वारा भी होता है, FISION, फिशन, और मुकुलन, मुकुलन
मुकुलन को कहते हैं भैया बडिंग। तो तीनों मेथड के द्वारा क्या पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें भैया, फंजाई में। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि पर्सन तो बनता है। कंफ्यूज कहां होता है आपको स्पोर्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं, कौन से बनते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबके दोनों के स्पोर लगे होते हैं, तो कंफ्यूज तो करते हैं, और जो इनको कंफ्यूज अपने आप को नहीं होने देता वह स्टूडेंट नीट फाइट करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक का मतलब कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से हैं, अलैंगिक बीजाणु कौन कौन से हैं, ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे कोनिडिया, ये मत समझ लेना कोनिडिया, समझ लो तो भी कोई खास बात नहीं है, कोनिडिया या कोनिडिया, ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडियोफोर पर ये लगते हैं, कोनिडियम धर पर ये लगते हैं कोनिडिया, ठीक है, ये एसेक्सुअल स्पोर है, ध्यान में रखना। दूसरा कौन सा, स्पोर एंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर जो है वह भी क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। और तीसरा है जूस्पोर्स, चल भी जानो, ये ध्यान में रखना भैया, ये ध्यान में रखोगे ना, चौथा कोई भी ऑप्शन दे देंगे अगर आपने उनको गलत कर दिया कि कौन सा एसेक्सुअल स्पोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो पर्सन बन जाए, तो पहला ऑप्शन कोनिडिया दे दे, दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर दे दे, तीसरा जूस्पोर दे दे, और चौथा एसिडियोस्पोर्स दे दे, तो कौन सा टिक लगेगा, एस्कस पे आप टिक लगा सकते हैं, एसिडियोस्पोर्स पे आप टिक लगा सकते हैं, वो आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान में रखना। तो एसेक्सुअल स्पोर याद करवाते हैं आपको, तो कैसे, जैसे कोनिडिया के बारे में काफी आता है, कोनिडिया क्या है, कोनिडिया जो होता है वो किस में बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना, पेनिसिलियम में बनते हैं बच्चा, किस में बनते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या बनते हैं भाई, कोनिडिया बनते हैं, ये ध्यान में रखना, कोनिडियम धर पर, कोनिडियोफोर पर क्या बनते हैं, कोनिडिया लगते हैं उसमें, और पेनिसिलिन, कोनी पेनी, ठीक है ना, कोनी पेनी याद रख लेना, कोनी पेनी, आप लोगों से पूछ ले कोनिडिया किस में लगते हैं, तो पेनिसिलिन पे लगते हैं, पेनिसिलियम में लगते हैं, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, इससे पेनिसिलिन बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है, ये क्या है, कोनी एसेक्सुअल स्पोर है, एक का मतलब होता है भाई एब्सेंट, और राजस्थानी में एब्सेंट को ये भी कहते हैं कोनी आयो, क्या कहते हैं, कोनी, तो एब्सेंट को किससे आप बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप देख लेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है कौन सा है, कोनिडिया, ए एब्सेंट कोनी, एब्सेंट कोनी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या क्या बनता है, कौन कौन से जीवाणु बनते हैं, तो उस्पोरा, एस्कस बीजाणु, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये ध्यान में रखना, देखो ये उस्पोर्स, उस्पोर्स, ओ डबल ओ डबल ओ एस पी ओ आर ई, उस्पोर्स और एसिडियो, एसिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये बी ए एस आई बेसिडियोस्पोर, या एस्कस या बेसिडियम, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, इनको पिन कर लेना, स्टेपल कर लेना, जैसे कमेंट्स पिन करते हैं आप इनके साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन नाम आप ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज हो गया तो इसका मतलब एक पर्सन खो गया। उस्पोर है, एसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, ये सारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स के द्वारा होता है वह क्या है, लैंगिक बीजाणु है, ये सेक्सुअल स्पोर्स है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब अपन बात करेंगे जो बीजाणु का निर्माण करने वाली संरचनाएं जो होती है ना, वो फलनकाय कहलाती है, तो फलनकाय शब्द ध्यान में आ जाए, फलनकाय, फलनकाय को इंग्लिश में भैया कहते हैं फ्रूटिफिकेशन, फ्रूटी पीने वाली मत समझ लेना, फ्रूटिफिकेशन है,
प्रूटिफिकेशन किसमें पाया जाता है, ये भी कई बार प्रश्न आता है। तो प्रूटिफिकेशन पाया जाता है फंगस में। किसमें पाया जाता है बच्चा? फंगस में पाया जाता है प्रूटिफिकेशन। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें किसका निर्माण होता है? प्रूटिफिकेशन जो स्ट्रक्चर जो फंगस में पाए जाते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनको क्या कहते हैं? फ्रूटिफिकेशन कहते हैं, फलन काय कहते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं ना, जैसे मान लो कि कचरे के ढेर पे जो सांप की छतरी उगी हुई रहती है, तो वह क्या है? वह उसका स्टेम या लीव्स नहीं है, वह तना नहीं है, उसकी लीव्स नहीं है, तो है क्या वह? तो वह फ्रूटिफिकेशन है। क्या कहेंगे भाई, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे साइंटिफिकली? तो आप बताएंगे, सर जो कचरे के ढेर पर जो मशरूम उगे होते हैं वो फंजाई के कौन से पार्ट होते हैं? फ्रूटिफिकेशन होते हैं। और उन पार्ट्स में क्या किसका फॉर्मेशन होता है? उनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके तीन चरण आप लोग ध्यान में रखेंगे भैया। तीन चरण कौन कौन से होते हैं? एक तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और प्लाज्मोगेमी बनता है, कैरियोगेमी बनता है, या तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ऊस्पोर्स बने, जाइगोस्पोर्स बने, जाइगोस्पोर बनता है, तो हैप्लोइड स्पोर्स इसमें बनते हैं। तो पहले तो क्या होता है ये ध्यान में रखेंगे, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मो, जैसे प्लाज्मोगेमी, गेमी का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। फिर होता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। इन दोनों के कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। प्लाज्मोगेमी तो क्या होता है? गेमी का मतलब गेमिट्स जो होते हैं उनके प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब साइटोप्लाज्म, ये आपस में मिल जाते हैं ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे? गेमिट्स के जो युग्मक जो होते हैं गेमिट्स, उनके क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म जो होता है वह आपस में क्या होता है? मिल जाता है दो गेमिट्स के। ये गेमिट्स है मान लो, चाहे चल हो चाहे अचल हो, दोनों के जो पहले चरण में क्या होगा, इनके जो साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल जाता है, इसको अपन क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी कहेंगे। इसमें न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे नहीं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म जो होता है या प्रोटोप्लाज्म जो होता है, किसका? गैमेट्स का। गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपस में मिलता है, तो गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का मिलना प्लाज्मोगेमी कहलाएगा। और कैरियोगेमी क्या है? कैरियो शब्द जहां पर आ जाए उसका मतलब आप न्यूक्लियस समझ लेना बच्चा, क्या समझना? न्यूक्लियस। कैरियोगेमी आ जाए, कैरियोटाइप आ जाए, तो सारा न्यूक्लियस का मैटर है, ये आप ध्यान में रखना। तो ऑप्शन न्यूक्लियस वाला चूज करना। तो कैरियोगेमी जो होती है उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जो गैमेट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस का क्या होता है भाई? फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कैरियोगेमी कहते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस को कहेंगे? जब गैमेट्स के, पहले तो प्लाज्मोगेमी होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म आपस में बन जाएंगे या साइटोप्लाज्म आपस में बन जाएंगे। जब प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य उनका मिलता है तो उसको तो अपन तो कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और उसके बाद जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं दो न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों गैमेट्स के आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैरियोगेमी कहेंगे। इतनी सी बात है। तो फिर जो युग्मनज बनेगा, जो उसमें तो क्या होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, ये 2n बन जाएगा ना, ये उस फोर बनेगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा ये दो न्यूक्लियस से मिलकर के बना, इसको 2n हो गया ना, इसमें क्या होगा भाई? मियोसिस होगा, यहां पर मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या बनेंगे भाई? हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हैप्लोइड स्पोर्स, अगुणित बीजाणु बनेंगे, हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, जो कौन कौन से बन सकते हैं? ऊस्पोर्स भी बन सकता है, फिर एस्को स्पोर्स भी बन सकते हैं, और बेसिडियो स्पोर्स भी बन सकते हैं। तो ये हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, और हैप्लोइड स्पोर्स जो होते होंगे वो जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करेंगे? कवक तंतुओं का निर्माण करेंगे, कवक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे, कवक तंतु या हाइफे का निर्माण करेंगे। ये प्रोसेस होता है किसमें? अब एक और आपको बात ध्यान में रखनी है कि कभी कभी होता क्या है, ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, दोनों सेपरेट रहते हैं, अलग 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 रहते हैं, इसमें कुछ समय तक ये अलग रहते हैं, तो इसको कहते हैं डाइकेरियन स्टेज।
ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइकेरियन स्टेज जो होती है ये फंजाई की कौन सी क्लास में, कौन से समूह में ये पाई जाती है, तो आप देखेंगे एस्कोमाइसिडीज व बेसिडियोमाइसिडीज में डाइकेरियन स्टेज पाई जाती है, ध्यान में रखना ए बी एस्कोमाइसिडीज व बेसिडियोमाइसिडीज दोनों में डाइकेरियन स्टेज पाई जाती है, ध्यान में रखना। डाइकेरियन स्टेज में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये सेपरेट रहेंगे, आपस में फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइकेरियन स्टेज कहते हैं। और ये डाइकेरियन स्टेज जो होती है वह किसमें पाई जाती है बच्चा, ठीक है, एस्कोमाइसिडीज व बेसिडियोमाइसिडीज दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना पड़े, ऑप्शन ए एस्कोमाइसिडीज, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइसिडीज, ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिडीज और ऑप्शन डी ए व बी दोनों, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, ए व बी दोनों, ठीक है। प्रश्न ये बनता है डाइकेरियन स्टेज का, ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे किसके, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, कौन सी, डाइकेरियन, ठीक है, डाइकेरियन स्टेज इंटरमीडिएट मध्यवर्ती अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ फंजाई, इन फंगस लिख सकते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस इज डाइकेरियन स्टेज, क्या है, डाइकेरियन स्टेज।